हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक न्यू क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज लीनियर एंड कन्वर्जेंट सेंसेस, व्हिच इज बेटर। ठीक है, तो पहले हम लीनियर सेंसेस को पढ़ते हैं। लीनियर सेंसेस में क्या होता है, टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज थ्रू अ सीरीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा ABCD कंपाउंड है, ठीक है, तो हम डिसकनेक्शन अप्रोच इसकी देखेंगे कि कैसे डिसकनेक्ट कर रहा है बाय द लीनियर सेंसेस। तो ABCD जो है, पहले वो एक डी को ब्रेक करेगा, फिर हमारा ABC बन गया, वो सी को ब्रेक कर देगा, फिर हमारा AB बन गया और वो ए और बी दोनों ही ब्रेक हो जाएंगे। मतलब एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो क्या है, हमारी लीनियर सेंसेस। ठीक है, सिंस ओवरऑल यूनिट ऑफ द सेंसेस इज बेस्ड ऑन सिंगल लॉन्गेस्ट रूट टू द टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ने ए बनाना था तो कितना लंबा रूट चला गया। ठीक है ना, ड्यू टू द लॉन्ग रूट इट सफर्स अ लोअर ओवरऑल यील्ड। ठीक है, इसमें यील्ड थोड़ी सी कम आती है बिकॉज यहाँ पर लॉन्ग रूट है। ठीक है, द लीनियर सिंथेसिस इज फ्रॉट विद द फेलियर फॉर इट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये तो सीधी चल रही है एक स्ट्रेट रॉड की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लीडिंग टू पोटेंशियल लार्ज लॉसेज इन द मटीरियल। ठीक है, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है हमारे मटीरियल का, इन्वेस्टेड इन द सेंसेस एट द टाइम ऑफ फेलियर। ठीक है, तो हमारा ये जो है रिएक्शन करते समय हमारे पास जो मटीरियल दिया था हमने, उसकी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, तो हमारे क्या हो गया, फेलियर हो गया इस रिएक्शन में यील्ड का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट सेंसेस। कन्वर्जेंट सेंसेस में हम क्या देखते हैं, इन कन्वर्जेंट सेंसेस की फ्रेगमेंट्स ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज सेपरेटली। ठीक है, हमारी की फ्रेगमेंट्स जो है हम टारगेट मॉलिक्यूल की, उनको सेपरेटली सिंथेसाइज करते हैं या फिर इनको इंडिपेंडेंटली सिंथेसाइज करते हैं, देन ब्रॉट टुगेदर एट लेटेस्ट स्टेज टू मेक द टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, या तो हम उनको सेपरेटली सिंथेसाइज करेंगे या फिर अलग अलग सिंथेसाइज करके फिर उनको बाद में इकट्ठे कर देंगे ताकि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन सके। ठीक है, यहाँ पर तो हम सेंसेस कैसे करेंगे, पहले ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, इस तरीके से धीरे से ज्वाइन किया। पर लेकिन हम दोनों अलग अलग फ्रेगमेंट्स जैसे AB और CD इन दोनों को ज्वाइन करके हमारा इकट्ठा ABCD बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी होती है कन्वर्जेंट सेंसेस। अब फिर से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम ABCD कंपाउंड लेंगे टू अंडरस्टैंड द डिसकनेक्शन अप्रोच बाय द कन्वर्जेंट सेंसेस। तो जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो, ABCD कंपाउंड जो है उसको ब्रेक किया हमने AB और CD में, और A+B और C+D हमारे पास अलग अलग कंपाउंड आ गए। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि हमारे पास AB को पहले बना सकते हैं सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, फिर CD को बना सकते हैं वो भी सेपरेटली इंडिपेंडेंटली। तो मेन हमारे पास क्या होता है कि ये देखो, यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, स्टेप्स भी ज़्यादा नहीं लगे। वहाँ पर हमारे पास क्या था, 4 स्टेप्स करने पड़े थे, बट यहाँ पर हमारे पास 2 ही स्टेप्स हैं। ये तो हमने इंडिपेंडेंट सिंथेसाइज कर लिया ना, अब इनको फटाफट ज्वाइन करके हमारे पास ABCD बन जाएगा, तो ये बेटर वे है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी आता है एग्जाम में कि विच इज़ अ बेटर वे ऑफ सेंसेस, तो हमारा कन्वर्जेंट सेंसेस बेटर होता है। क्यों, द कन्वर्जेंट सेंसेस इज शॉर्टर एंड गिव्स हायर यील्ड। ये यहाँ पर यील्ड क्या है, हमारी हायर है, ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है। ठीक है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ये बहुत ईजी है एग्जीक्यूट करने में ड्यू टू द इंडिपेंडेंट सेंसेस ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंट सेंसाइज कर रहे हैं ना, अलग अलग सेंसाइज कर रहे हैं, तो उससे हमारी ये रिएक्शन फ्लेक्सिबल और ईजी हो जाती है। देयरफोर कन्वर्जेंट सेंसेस हैज़ बीन फाउंड टू बी बेटर दैन लीनियर सेंसेस ड्यू टू ग्रेटर ओवरऑल यील्ड। तो ये हमारे पास ज़्यादा यील्ड है इस रिएक्शन में, दैट इज़ वाई ये जो है रिएक्शन, इसको हम फेवरेबल से हमारी एक बेटर मेथड फॉर दी सेंसेस ऑफ दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच।